ही ट्वीट किया। इसके बाद सांसद पप्पू यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया है। पप्पू यादव ने भी सहमति जताई और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो आशंका है वो बिल्कुल सही है, सरकार का रवैया सही नहीं है, पीएम की सोच संवैधानिक और लोकतांत्रिक नहीं है। पप्पू यादव ने भी राहुल गांधी के पोस्ट पर कहा है कि सरकार का रवैया संवैधानिक नहीं है। गांधी ने आशंका जाहिर की है कि उन्हें जो जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की तैयारी की जा रही है और वो इसका स्वागत करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जो लगातार आप देख रहे हैं साजिश, लगातार व्यक्तिगत हमला और अनुराग ठाकुर के ट्वीट को बयान को ट्वीट करना तो एक निजी हमला ही है ना। राजनीति में निजी हमले की कोई जगह नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी पर कोई निजी हमला करे वो भी जगह नहीं है, विपक्ष के नेता पर या किसी पर हमला करता वो भी जगह नहीं है। कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। मरता क्या नहीं करता, तीन बार उनका एक ही लक्ष्य था कि हम तीन बार के प्रधानमंत्री की गिनती में श्रृंखला में हम आ जाएं। उसके बाद इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे। राहुल गांधी के ईडी पर आरोप के बाद मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया और बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर राहुल गांधी को ये जानकारी कहां से मिली कि उनके खिलाफ जो है ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किस अधिकारी ने राहुल को इस बारे में जानकारी दी है वो बताएं। राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने राहुल पर झूठ की खेती करने का आरोप लगाया है। इतना झूठ हमने नहीं देखा, गिरिराज सिंह ने कहा है। राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप, राहुल गांधी ने कहा कि उन पर ईडी छापेमारी कर सकती है, योजना बनाई जा रही है, और इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया। भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है, संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं, ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, इनके परदादा पिछड़ों को धोखा दिया जवाहरलाल नेहरू, इनकी दादी धोखा दी मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर, इनके पिताजी ने हाउस में रोका, इन्होंने नहीं उसको उजागर किया। ये पिछड़ों के बड़े दुश्मन हैं, नया नैरेटिव करने में, झूठ की खेती करने में माहिर हैं, देश का दुर्भाग्य है। और देखिए, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। आपको बता दें कि दूसरे दिन जो शिक्षक हैं उनको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, सर्वर डाउन बताया जा रहा है, आधार का सर्वर जो है वो ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं थंब इंप्रेशन देने और ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के बाद शिक्षक वेरिफिकेशन के इंतजार में है। पटना के DRCC सेंटर पर भी यही हाल है। उच्च माध्यमिक के साथ आज से माध्यमिक का वेरिफिकेशन होना है, लेकिन शिक्षक कब तक इंतजार करेंगे ये कहना मुश्किल है। संवाददाता रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के सभी 38 जिले में सक्षमता पास नियोजित टीचर्स की काउंसलिंग होने वाली है, लेकिन सभी टीचर्स आज काउंसलिंग के लिए DRCC केंद्र जब पहुंचे हैं तो पता चला है सर्वर ही डाउन है। यानी राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के अधिकतर जिले से ये खबर आ रही है कि DRCC सेंटर पर काउंसलिंग ठप है, क्योंकि आधार का जो सर्वर है वो डाउन हो चुका है। सर, हम लोग तो यहाँ 8 बजे से पहुंचे हुए हैं। हम लोग का पहला स्लॉट था 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, लेकिन 8 बजे हम लोग यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर कोई सटा हुआ भी नहीं है कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है।
कई आधा घंटा बैठने के बाद पता चला, कोई व्यक्ति बताए कि आप लोग वहां जाइए, लाइन वहां लगा हुआ है। 9 बजे से हम लोग का थंब इम्प्रेशन हुआ, जब काउंटर पर आए थंब इम्प्रेशन के बाद काउंसिलिंग के लिए डॉक्यूमेंट, तो पता चला कि 1-2 के होने के बाद सर्वर डाउन है और हम लोग भूखे प्यासे बहुत परेशान है। हाँ सर, जिस तरह से अभी फर्स्ट स्लॉट का टाइम तो खत्म हो गया और अभी तक एक भी टीचर का हम लोग का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो एक दिन में ये संभव हो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद काउंसलिंग नहीं हुई, सक्षमता परीक्षा में थर्ड ऑप्शन मेरा पटना मिला था, जबकि मेरा नंबर 92 था अकाउंटेंसी में। आपको थर्ड मिला है? सर, बक्सर फर्स्ट च्वाइस था, सेकंड भोजपुर, पटना थर्ड, तो थर्ड च्वाइस मिला है। कितने देर में ये सर्वर काम करेगा, कुछ पता चला? सर, हम तो सर विभागीय जो दिया आदेश था सर, तो 9 से 10:30 तक काउंसलिंग का समय था सर, स्लॉट फर्स्ट में था सर, तो हम जो है 8:30 बजे आ गए, आधा घंटा पहले आने के लिए कहा गया था, तो हम आए तो हमारे 8-8 5 काउंटर है जिसमें जो है 8-8 हर एक पर था सर, तो 1-2 का हुआ है ना? हाँ सर, हमारा काउंटर में 3 हुआ है, हम लोग 5 गो रह गए। लेकिन सभी टीचर अभी अलग हट गए हैं, इंतजार में हैं कि जैसे ही सर्वर चालू होगा और जो अपडेशन है वो उसका काम शुरू होगा तो फिर से हम लोग काउंसलिंग करा सकेंगे। जाहिर है एक चुनौती तो है शिक्षा विभाग के लिए, जिला प्रशासन के लिए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए भी कि जो टारगेट लेकर चले हैं वो टारगेट कैसे पूरा करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आइए बात करते हैं झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज बिना विपक्ष के ही सदन चलने वाला है और आज 4 विधेयक जो है वो पेश करने वाली है सरकार। ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि सदन में सरकार जो है 4 विधेयक लाएगी। झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किया आज सदन में। सीएम हेमंत जो है जवाब दे सकते हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं हेमंत सोरेन। 2 बजे तक बिना विपक्ष के ही सदन चलेगा, तो ये बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि आज कई सारे सवालों के जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे और बहुत सा ऐसी बातें हैं जो कि हेमंत सोरेन करने वाले हैं, जो कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि सबको संतुष्ट कर दिया जाएगा, सारे सवालों के जवाब दे दिया जाएगा। तो आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कौन कौन से सवालों के जवाब देते हैं और क्या कुछ बातें सदन में रखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा का आज आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में विपक्ष जो है सदन के बाहर जमकर हंगामा कर रहा है, बालू बेच करके विरोध जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। बताते चले 100 रुपए किलो बेच रहे हैं बालू, जो विपक्ष है वो बालू बेचकर सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बालू खनन को लेकर सरकार का विरोध किया जा रहा है, देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बालू बेच करके दिखाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। बालू बेचकर विरोध कर रहे हैं बीजेपी के विधायक, यानी कि बालू के खनन को लेकर के सरकार पर कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और चूंकि निलंबित हैं विपक्ष के कई विधायक, ऐसे में सदन के बाहर विपक्ष के द्वारा जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बालू बेच करके यहां पर विरोध जता रहे हैं विपक्ष। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।